उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए एक बार फिर पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक मुद्दे को हवा दे दी। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने को भारतीय सैनिकों का अपमान बताया। प्रधानमंत्री मोदी आज रुद्रपुर में चुनाव रैली को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने ऐलानिया लहजे में कहा कि पाकिस्तान को हीरो बनाने वालों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। रैली में जुटी जनता से पीएम मोदी ने सीधा सवाल किया कि पाकिस्तान को हीरो बनाने की चाहत में भारत विरोधी बयान देने वालों को क्या देश की जनता माफ करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि सैनिक धाम के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे वीर जवानों की वीरता पर सवाल उठाना क्या सही था। जब आतंकियों को घर में घुसकर मारा गया तो वीर जवानों पर ऐसे सवाल करना सही है? क्या सेना अध्यक्ष को झूठा कहना सही था? मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का आगाज करते हुए गुरुवार की सुबह मेरठ में और उसके बाद रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि देश की जनता अब समझ चुकी है कि कांग्रेस को हटाने से ही गरीबी हटेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस हटाओ, गरीबी खुद हट जाएगी। खबर अपडेट की रिपोर्ट।